भाई ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे। कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा। आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया। ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा? उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। हकीकत है जिस कांग्रेस के साथ ये लोग सत्ता में हैं, ये कांग्रेस गरीब लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स बताए कांग्रेस? विरासत पे जो टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है, क्या है ये विरासत का टैक्स? 55% संपत्ति गरीब किसानों की ये लोग हड़पना चाहते हैं, 55% संपत्ति गरीब मजदूरों की ये लोग हड़पना चाहते हैं, महिलाओं की संपत्ति जो गहना जेवर ये लोग इकट्ठा की हैं उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से। और ये तो इनकी परंपरा ही रही है ना भाई, लैंड फॉर जॉब, किसने ये परंपरा शुरू की? इन्हीं लोगों ने की। और जब ये लोग लैंड फॉर जॉब की परंपरा शुरू किए हैं, अब उसको एक विधिवत तरीके से अब ये लोग जमीन को हत्याना चाहते हैं। तो क्या होगी वो विधि? वो है इनहेरिटेंस टैक्स लागू करके। अब ये सारी बातें जनता के बीच नहीं आए तो भ्रमित करने के लिए कभी आरक्षण, कभी संविधान, कभी लोकतंत्र। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे प्रधानमंत्री गुजरात में, कौन सा इन्होंने कानून बदल दिया, कौन सा आरक्षण हटा दिया? ऐसे में जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं, और ये अपनी जात पात धर्म मजहब की बांटने की जो राजनीति, जो राजद कांग्रेस का कल्चर रहा है 90 के दशक से, उस कल्चर को ये लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। ये सब कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब भी लोग इस तरीके के सवाल उठाते हैं, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जुडिशरी उसको नकारते हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं।